नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास पैनासोनिक 40 इंच की एलईडी टीवी बनने के लिए आई है रिपेयर होने के लिए, जिसमें प्रॉब्लम है नो लाइट साउंड ओके, नो पिक्चर साउंड ओके। तो आइए आज जानते हैं हम लोग बिना डिस्प्ले को खोले अंदर की एलईडी स्ट्रिप को कैसे चेक करें ख़राब है या नहीं। तो ये है पैनासोनिक का मॉडल नंबर TH40D200DX TH40D200DX। तो आइए बैक कवर खोल के देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आइए वीडियो लंबी ना हो जाए करके इसको हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो आइए मदरबोर्ड को पावर कॉर्ड लगा के ऑन करते हैं। मदरबोर्ड को पावर देने के बाद मदरबोर्ड को रिमोट के पावर ऑन बटन से या मदरबोर्ड के की बटन से स्टैंड बाय रिलीज करेंगे। स्टैंड बाय रिलीज करने से पहले एलईडी स्ट्रिप को जाने वाली सप्लाई पे मल्टीमीटर से पहले वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर का एक प्रॉप जो ब्लैक वाली होती है उसको ग्राउंड कर देंगे और रेड वाली प्रॉप को एलईडी स्ट्रिप को जा रही पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे और मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पे डीसी वोल्ट पे सेट कर देंगे। उसके बाद स्टैंड बाई हम रिलीज करेंगे। स्टैंड बाई रिलीज करने पर एलईडी स्ट्रिप को जाने वाली पॉजिटिव सप्लाई के पॉइंट पर बूस्ट वोल्टेज बनेगा, जो बूस्ट वोल्टेज लगभग 80 वोल्ट 70 वोल्ट के आसपास होगी। वो बूस्ट वोल्ट हाई होके लो होने लगेगा। इसका मतलब है कि एलईडी स्ट्रिप आपका 99.9% ख़राब है। इस कंडीशन में डिस्प्ले के अंदर के सभी एलईडी स्ट्रिप को चेंज करेंगे, ना कि जो एलईडी स्ट्रिप ख़राब है सिर्फ वही चेंज करेंगे। सभी एलईडी स्ट्रिप को चेंज करने से एलईडी स्ट्रिप की लाइफ ज़्यादा होगी और डिस्प्ले को बार बार ओपन करने से बचेंगे। बार बार डिस्प्ले ओपन करने से डिस्प्ले डैमेज होने का खतरा बना रहता है। तो आइए डिस्प्ले को ओपन करके देखते हैं। डिस्प्ले को खोलने के लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। डिस्प्ले को खोलने के लिए डिस्प्ले के चारों साइड विजिटिंग कार्ड को घुमा लीजिए ताकि डिस्प्ले कहीं चिपका ना हो। अगर विजिटिंग कार्ड नहीं लगाएंगे, नहीं घुमाएंगे, तो उससे क्या होगा, डिस्प्ले अगर कहीं चिपका होगा और आप एक साइड से अगर उठाएंगे तो डिस्प्ले टूटने का खतरा बना रहेगा। तो आइए डिस्प्ले को सावधानीपूर्वक उठाते हैं। तो वीडियो लंबी ना हो जाए उसके लिए हम लोग वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। तो आइए एलईडी स्ट्रिप को चेंज करके उसके बाद हम लोग चालू करके देखते हैं। अब हमारा एलईडी स्ट्रिप चेंज हो चुका है, आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं। अब हमारा एलईडी स्ट्रिप चालू हो चुका है, आइए इसको पैनल के साथ फिटिंग करके फिर पिक्चर लगा के देखते हैं। तो दोस्तों हमारा पैनल फिटिंग हो चुका है, पैनल चालू भी हो चुका है, पैनासोनिक लिख के आ रहा है। सो थैंक यू दोस्तों, हमारा सेट ओके हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।